देखिए, ये जो सम्मानित किया गया, ये हमें इंडिविजुअल नहीं किया गया बल्कि डॉक्टर प्रोफेशन को किया गया। और डॉक्टर हमेशा से किसी भी सोसाइटी में उनकी इज्जत की निगाह से देखा जाता था, लेकिन कोविड ने और इस पूरे फिनोमेना को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। उस वक्त जबकि हर कोई अपने घर में बंद था, डॉक्टर्स अपने काम कर रहे थे, और आपको पता है कि सिर्फ अपने बिहार सूबे में 170 डॉक्टरों की जान गई कोविड की वजह से, पूरे देश में करीब 1400 डॉक्टर की जान चली गई कोविड की वजह से, जो कि और किसी प्रोफेशन में नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी बात है। और हम मिस्टर असदुल्ला खान को, जो कि अल-फातिमा बीबी कॉलेज के और सोसाइटी के करता रहता है, उनको हम बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आज उन्होंने एक टोकन के तौर पर कुछ डॉक्टरों को इज्जत अफजाई की, उन्हें सर्टिफिकेट दिया, शाल पेश किया। हेल्थ का इशू बहुत बड़ा इशू है, और आप अगर गौर से देखेंगे तो अभी इस बार भी जो अमेरिका में इलेक्शन हुआ, वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने और इसमें उनके पहले ओबामा साहब ने, ओबामा हेल्थ केयर बहुत बड़ा इशू था। और हम बार बार ये कहते हैं और बिहार सरकार से भी ये गुजारिश करते हैं कि ये जो आप 3% और 4% GDP का हेल्थ में लगाते हैं, यह बहुत ही नाकाफ़ी है, बहुत कम है, इसको ज़रूर बढ़ाइए। जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे हेल्थ नहीं इम्प्रूव करेगा सूबे का, और अगर हेल्थ नहीं इम्प्रूव करा तो क्या हमारे पास बहुत पैसा हो और हेल्थ ना हो तो पैसा किस काम का, हमारे पास बहुत आलीशान मकान हो और हेल्थ ना हो तो किस काम का हो। तो हेल्थ पर जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और हम इसको बार बार कहते हैं और कहते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक्चुअली हमारे जो ये सोसाइटी है वो अल-फातिमा एजुकेशनल सोसाइटी है, ये एजुकेशन पे काम कर रही है। अल-फातिमा एजुकेशनल सोसाइटी के अंडर में अल-फातिमा एजुकेशनल सोसाइटी बीएड कॉलेज, फातिमा डिग्री कॉलेज, जो कि बिहार गवर्नमेंट से परमानेंटली एफिलिएटेड है, और दिल्ली ग्रामर स्कूल CBC बोर्ड का एफिलिएशन है, ये सारे एजुकेशन के विंग में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो पेंडेमिक हुआ, कोरोना हुआ, इसमें डॉक्टर्स का जो रोल रहा है थ्रू आउट सारे लोगों के लिए, वो बहुत ही मतलब कठिनाई के टाइम में इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर असद साहब का और इनके अल-फातिमा सोसाइटी का कि भाई हम जैसे डॉक्टर्स को जो भी खिदमत में हैं सब लोगों को दावत दे करके और हम लोगों को एक एजाज से नवाजा है, तो इसके लिए मैं इस पूरे टीम को शुक्रगुजार देता हूँ। दूसरा, हई साहब भी हमारे इस महफिल में शरीक हुए और सब डॉक्टर्स को अपना एजाज और तोहफा से नवाजा। ये एक कोशिश है कि डॉक्टर्स डे के एसोसिएशन पे, ऑल्दो इट इज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, लेकिन इन्होंने जैसा बात हुआ कि भाई डॉक्टर्स का जो हमारे समाज में खिदमत है उसके लिए ये चाहते हैं कि हम उन लोगों को भी एजाज करें। अगला प्लान है कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टीचर्स हैं, या फिर और भी जो अलग अलग मुख्तलिफ ग्रुप के लोग हैं उन लोगों को भी एजाज से नवाजें, ताकि समाज में एक मुत्तहिद तौर पर कुछ कंस्ट्रक्टिव थाट लेके आएँ। मैं इस चीज़ के लिए, इनके इस थॉट प्रोसेस के लिए बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं अल-फातिमा एजुकेशनल ट्रस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने सारे डॉक्टर्स की हौसला अफजाई की, बुला कर कर सम्मानित किया, बहुत अच्छा लगा। और लोग इस प्रोफेशन को गलत समझते हैं, गलत तरीके से इसको देखते हैं कि हमारा जो मंशा है डॉक्टरी का, ये पैसे का नहीं है। कुछ लोग हर फील्ड में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ गलत करते हैं, तो आप पूरे डॉक्टर फ्रेटर्निटी को आप उसको गलत नहीं कह सकते हैं, नहीं कहना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, और आपने ये कोविड टाइम जो गया 2 से 3 साल आपने देखा, उसमें बहुत मेहनत किए, बगैर अपने बच्चों के, अपने माँ के, अपने फादर के, सबको
रिस्क पे लेते हुए हमने काम किया और दिल लगा के काम किए। डर लगता था, बहुत डर लगता था, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत कर करके जाते थे, बच्चों से दूर रहते थे, बच्चों के नज़दीक नहीं जाते थे, रूम अलग कर लिए थे। तो इस तरह से पूरा का पूरा कोविड टाइम गुजरा। हल्की सी भी खांसी या हल्का सा भी लगता था कि सिम्टम आ रहा है तो डर सा लगता था, घबराहट सी होती थी, हॉस्पिटल में ही रुक जाया करते थे, बच्चों के पास या घर पे नहीं आते थे कि माँ हैं, फादर हैं, ओल्ड एज हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो मे बी मेरे वजह से फादर या मदर इन्फेक्टेड ना हो जाए। तो ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत बड़ी इश्यूज थे जिसको हम लोग ने बहुत मुश्किल से हैंडल किया, आसानी से हैंडल नहीं कर पाए। कोविड 19 तो एक अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो था जो कि आया और विद अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज आया, लेकिन इसको जिस तरीके से भी फेस करना चाहिए था, डॉक्टरों ने इसको फेस किया, मेडिकल स्टाफ से इसको फेस किया, गवर्नमेंट ने इसको फेस किया। लेकिन ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो इसमें सतर्कता बरतनी चाहिए, ठीक है ना, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, उसको हम लोगों को अभी कंटिन्यू करना चाहिए। जिस तरीके से भी आप सुन रहे होंगे, मीडिया में भी, न्यूज़ में भी आ रहे होंगे अबाउट द कोरोना, इट इसका एग्जिस्टेंस जो है उसका अभी भी है, और इससे अवॉइड करने की और प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो सैनिटेशन हो, चाहे मास्क हो, चाहे डिस्टेंस मेंटेनेंस हो। तो अपना जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है डॉक्टर्स के साथ साथ टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री और ऑफ द वर्ल्ड, पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वी शुड मेंटेन ऑल दोस थिंग्स, देन ओनली वी कैन फाइट टुगेदर विद द कोरोना। इट इज़ नॉट ओनली डॉक्टर और द हेल्थ वर्कर्स, इट इज़ टुगेदर वी फाइट द कोरोना, एंड नॉट ओनली द कोरोना, इनफैक्ट ऑल एपिडेमिक्स, आइदर यू गो इन द हिस्ट्री अबाउट द पोलियो और अदर वैक्सीनेशन, यू विल फाइंड कि टुगेदर वी हैव वॉन, एंड ऑलवेज दिस वॉज द नीड ऑफ people, even the common people, those who are not literate, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कम तबके, उनको ज़्यादा empowerment of force की ज़रूरत होती है, मतलब with all positive effects।